गोपालगंज जिले के मिंज स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने देश के आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराकर सलामी दी। इस मौके पर एसपी स्वर्ण प्रभात, एसडीएम सहित कई पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद मिंज स्टेडियम में कई आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहा था। मिंज स्टेडियम में शराबबंदी कानून, दहेज उन्मूलन कार्यक्रम से लेकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की झांकियां भी पेश की गईं। मिंज स्टेडियम में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से जिला समाहार भवन के परिसर में तिरंगा फहराया। इसके बाद जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ अनुमंडल परिसर में एसडीएम ने झंडोत्तोलन किया। मिंज स्टेडियम में तिरंगे को सलामी देने के बाद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उसकी रूपरेखा के बारे में लोगों को अवगत कराया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र देश में यह उन्मुक्त एवं गौरवमय दिन देखने का अवसर प्रदान किया है। देश के महापुरुषों महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे वीर सपूतों के सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली एवं उन महानायकों के अथक प्रयास एवं दूरदर्शिता के द्वारा 26 जनवरी 1950 को गौरवशाली संविधान लागू हुआ, जो हम सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अवसर प्रदान करता है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि गोपालगंज जिला में विगत वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग और तबके को आगे बढ़ने का एक समान अवसर मिल रहा है। इस जिला ने प्रगति के पथ पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। विकास की ओर अग्रसर होने के साथ साथ विगत महीनों में हमारे सामने कई चुनौतियां भी आई हैं, जिसका प्रशासन एवं जनता के सहयोग से सामना किया गया है एवं हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि विभाग के बारे में मैं अवगत करा दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,43,414 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अंतर्गत 90% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत यंत्र क्रय करने हेतु अब तक 289 किसानों को 75,20,000 से अधिक रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया गया है। सहकारिता विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 में किसानों से धान अधिप्राप्ति के तहत अभी तक कुल 2000 से अधिक किसानों से धान अधिप्राप्ति किया गया है एवं 31,53,00,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। बाल विकास ICDS के तहत समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए एकीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत झांकियां जो विभिन्न विभागों द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, इसका प्रदर्शन कर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सलामी देते हुए राष्ट्रीय झंडे को मंच के सामने से टुकड़ी गुजर रही है। अगली टुकड़ी NCCDA हाई स्कूल के बच्चों की है। वीओ आदित्य राज तिवारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और सुंदर व्यवस्था की गई है, खाना सब कुछ मुहैया कराया जाता है, खाना पीना भी उपलब्ध है। ब्लॉक में बुनियादी केंद्र के पास इसका निर्माण किया गया है, इसका लाभ जरूर उठाए। जो असहाय व्यक्ति हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्रयास आश्रय अस्थायी आश्रय स्थल। और अगली झांकी है स्वास्थ्य विभाग की सेवक संजय गोपालगंज के ऑफिस की, आप देखिए आधुनिक पद्धति से चिकित्सा जांच करते हुए योग की महत्ता बताते, यंत्रों के द्वारा पैदावार बढ़ाए और खुशहाली लाए, इसका संदेश देते हुए सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रदर्शित करती हुई ये कृषि विभाग की झांकी। अगली झांकी है उद्योग विभाग की जिला उद्योग पदाधिकारी कार्यालय की झांकी। पुलिस उत्पाद पुलिस ब्रेथ एनालाइजर और स्वान दस्ते के साथ बकायदा इसकी जांच करती है, ड्रोन के द्वारा भी इस पर निगरानी रखती है, अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा अब शराब पर लगभग पूरी तरह से
बंदिश लगा दी गई है, ये दर्शाती है ये मध्य निषेध विभाग की उत्पाद अधीक्षक की कार्यालय की झांकी। अगली झांकी 7 निश्चय कार्यक्रम का है जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यालय की है। और जड़ी बूटियों पर आधारित दवाएं लीजिए, जेनेरिक दवाएं का इस्तेमाल कीजिए, ये सस्ती भी होती हैं और गुणकारी भी होती हैं। इसके प्रति जागरूकता फैलाते हुए ये झांकी बहुत ही सुंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के दहेज का है, आगे वाले बाल विभाग का परिणाम दिखा रहा था, दूसरा जगह जगह का परिणाम है। देख लीजिए पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, कानूनन अपराध है, दोनों कानूनन अपराध है। तीसरी झांकी मंच के प्रतीकात्मक झांकी गोपालगंज नगर परिषद की है, देखिए। और जो बाहरी व्यक्ति जो असहाय व्यक्ति या ये उद्योग विभाग की झांकी देख रहे हैं कि लूम मशीन पर ये महिलाएं कपड़ा बुन रही हैं। सूक्ष्म उद्योग के तहत उद्योग विभाग विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को छोटे से लघु नाटक के सौजन्य से ये दिखा रहे हैं कि बाल विवाह और दहेज उन्मूलन, दहेज का दानव कितने ललनाओं को मिल गया, बाल विवाह करने के बाद से कितनी परेशानियां पैदा होती हैं, ये आप देखिए। ये दोनों ट्रेलर जो है वन स्टॉप सेंटर द्वारा संचालित रसोई द्वारा आपको और क्या कहते हैं वो लो बस आधारित ये बिक्री सेंटर भी इनके द्वारा चलाया जा रहा है। विभिन्न पापड़ बनी तिलौड़ी इत्यादि बनाने निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की जाती है। ईवीएम के द्वारा वीवीपैट के द्वारा आप अपना मतदान करें और जरूर करें और निष्पक्ष सुचितापूर्ण ढंग से बढ़िया सरकार का चयन करें, इसका संदेश देते हुए ये झांकी थी। उप निर्वाचन पदाधिकारी है महिलाओं का जीवन स्तर, गरीब महिलाओं का जीवन स्तर और इस प्रकार ये निरीक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज जिला प्रशासन ने उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया है, मैं नाम उच्चारित कर रहा हूँ क्योंकि लिस्ट बड़ी है, इसलिए जल्दी जल्दी संचालित रसोई द्वारा आपको और क्या कहते हैं वो लो बस आधारित ये बिक्री सेंटर भी इनके द्वारा चलाया जा रहा है। विभिन्न पापड़ बनी तिलौड़ी इत्यादि बनाने कितनी जरूरी है, ये तीनों चीजें हैं आप स्वयं समझ सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है। और ये देखिए आदर्श विद्यालय का एक मॉडल सामने प्रस्तुत किया गया है। अब हमारे जो भी विद्यालय बन रहे हैं सरकार द्वारा ये इसमें तमाम जन सुविधाएं भी दी जा रही हैं, साफ सफाई और ये सुंदर सा बिल्डिंग साथ साथ किचन गार्डन भी। ये बच्चे बच्चियां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ये बच्चे हैं जो झांकी के साथ इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी झांकी